तिलैया डैम ओपी के नए भवन का विधिवत हुआ उद्घाटन। कोडरमा चंदवारा प्रखंड अंतर्गत तिलैया डैम ओपी छोट की धमराए निकट नए भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 15 नवंबर को ऑनलाइन हो चुका है। सोमवार 27 नवंबर को तिलैया डैम ओपी प्रभारी अमृता खोलकू के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर नए भवन में प्रवेश किया। मौके पर कोडरमा पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा है कि अभी तिलैया डैम ओपी के नए भवन का उद्घाटन हुआ है, भविष्य में तिलैया डैम ओपी को थाना का दर्जा मिलने की संभावना है। नया भवन मिलने से लोगों का खुश होना लाजिमी है। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच संवाद चलता रहना चाहिए। यह नया भवन थाना कर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के लिए नायाब उपहार है। इस ऐतिहासिक अवसर पर इतने लोगों को जमावड़ा यह साबित करता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता मजबूत हुई है। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने पूरे थाना परिसर का मुआयना किया। पुलिस अधीक्षक ने स्वागत कक्ष, हाजत, आवासीय परिसर का मुआयना किया। एक्चुअली तिलैया डैम ओपी का नया भवन बनके तैयार हो चुका है, इसका हैंडओवर हुआ है, तो आज इसमें हम लोग पूजा पाठ किए हैं ठीक है। और अब धीरे धीरे जो ओपी है वो इसमें फंक्शनल हो जाएगी नए भवन में। आम लोगों की क्या सुविधा मिलेगी सर? ये नया भवन जो है ये सारी सुविधाओं से लैस है, ठीक है। इसमें सभी के लिए अलग अलग रूम चिन्हित किए गए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, SI रूम्स हैं, रिकॉर्ड रूम है और सभी सुविधाएं हैं, तो इसमें जो है बेहतर कार्य पुलिस कर सकेगी। अभी ओपी ही रहेगा या थाना बन जाएगा? अभी तो ओपी ही रहेगा सर। थाना बनने के बाद सर अभी चूँकि 5 पंचायत इसमें ओपी में सर, क्या एरिया इसका बढ़ेगा या ये अभी जो पिछला एरिया था, पहला एरिया था, वही ओपी रहेगा? ये इसका नया भवन बन के तैयार हुआ है, क्योंकि इसके ओपी के पास अपना भवन नहीं था, तो नया भवन बन के तैयार हुआ है और धीरे धीरे अब ओपी इसमें से इस भवन नए भवन से काम करना शुरू कर देगी। कब तक संभावना है सर? नहीं, धीरे धीरे अभी शिफ्टिंग चल रही है, आज पूजा हुई है तो जल्दी ही नए भवन से काम करना पुलिस शुरू कर देगी। तिलैया डैम ओपी के प्रभारी अमृता खोलकू ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। मौके पर माइका अंचल निरंजन उराव, डोमचांच अंचल प्रभारी अवधेश कुमार सिंह, डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान, तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार, जयनगर थाना प्रभारी राजेंद्र राणा, SI मदन मुंडा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सावन खड़ियाल, कोडरमा GP सन्नी कच्छप, ASI सुरेंद्र मुर्मू, ASI उमेश सिंह, ASI कैलिमेंट लिंडा, हवलदार कमल किशोर सिंह, जिला परिषद सदस्य महादेव राम, पूर्व मुखिया धीरज कुमार, मुखिया सरयू प्रसाद वर्मा, कांटी के पूर्व मुखिया रमेश प्रसाद, पूर्व मुखिया रविशंकर यादव, JBKSS नेता मनोज यादव, युवा नेता कृष्णा यादव, संतोष यादव, संसद प्रतिनिधि राम लखन यादव, पूर्व मुखिया किशोर यादव, भोला राम, कैलाश राम, वासुदेव यादव, सकलदेव यादव, समीम रहमानी, कुमार पासवान आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।